अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लाहौरी फ़िश, और लाहौरी फ़िश के लिए मैंने जो अज़ा के लिए लिए हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर आज मैंने जो फ़िश ली है वो सुरमाई मछली है, किंग फ़िश, और ये मेरे पास सवा किलो है फ़िश। इसके मैंने चार पीसेस भी लिए हैं, सवा किलो में मेरे पास चार मोटे मोटे फ़िश के टुकड़े बने हैं। इसके अलावा मैं इसके लिए जो मसाला प्रिपेयर करूँगी वो मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर आपको फ्राई करना है तो आप फ्राई करें, और अगर आपको इसको ग्रिल करना है तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक खाने के चम्मच के करीब ज़ीरा। ये जो ज़ीरा है भुना हुआ और पिसा हुआ है, पहले मैंने भुना हुआ था और फिर इसको पीस लिया था। इसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने भून कर पीसा हुआ है, ये भुना और पिसा हुआ धनिया पाउडर है। इसके अलावा मेरे पास है लीमू का रस, एक बड़ा मैंने लीमू लिया है उसका मैंने रस निकाल लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, यहाँ मैं हल्दी ले रही हूँ, इतनी मैंने हल्दी ले ली। मैं ये पूरा एक भर के खाने के चम्मच के करीब मैंने लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं डालने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, यह अपने खाने के टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, तो जितना आपके घर वाले पसंद करते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं डाल रही हूँ एक आधा खाने के चम्मच, इसमें थोड़ा सा मेरे पास ये एक खाने के चम्मच का है, इसका मैंने थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। इसके अलावा मैं इसमें डालने जा रही हूँ अजवाइन, अजवाइन में डालूंगी इतनी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, ये येलो फूड कलर आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, ये एक चुटकी में डाल रही हूँ, ये इतना सा मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैं डालने जा रही हूँ अनारदाना, इसका टेस्ट बहुत आता है। अनारदाना, ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ और धनिया पाउडर भुना हुआ पिसा हुआ, इनका जो टेस्ट आता है ना इससे बड़ा अच्छा लाहौरी फ़िश का टेस्ट होता है, और जो लाहौर में जो फ़िश बनती है वो इसी तरह से ही बनाते हैं। मैं यहाँ बेसन वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये मैंने डाल दिया पूरा एक खाने के चम्मच के करीब। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक, हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका, जो भी आपके घर वाले आप जितना खाना पसंद करते हैं। मैं अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से करूँगी। अब मैं कर रही हूँ इन सबको मिक्स, और मिक्स करते हुए मैं इसमें डालूँगी हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, पहले मैं इसे मिक्स करूँगी, और इसको मैं लगा के 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रखेंगे नहीं तो फ़िश को वो टेस्ट नहीं आएगा। जो लाहौर वगैरह में आपको मिलता है खाने के लिए फ़िश, वो आप कम से कम 2 घंटे के लिए वो रख देते हैं, और उससे उस फिश का जो टेस्ट और मसाला जो बनता है ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं ये लगा के फ़िश पे और मैं इसे रख दूँगी 2 घंटे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फ़िश को मसाला लगा लिया है, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। फिर आपको अगर चाहिए तो आप फ़िश को फ्राई करें, और ग्रिल करना है तो ग्रिल करें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मेरा दिल है कि ग्रिल करूं तो मैं ग्रिल करूंगी, और अगर आपको फ्राई करना है तो कोई भी फ्राई पैन में या किसी भी कढ़ाई में ऑयल गर्म करके इसको फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फ़िश बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के खा सकते हैं। अगर आपको फ्राई करना है फ्राई कर लें, डीप फ्राई करना है डीप फ्राई कर लें, और अगर ग्रिल करना है तो ग्रिल कर लें, जिस तरह आपका करने का दिल कर, कोई सी मछली आप यूज़ कर सकते हैं और चाट मसाला छिड़क के खाएँ। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मदद।